छत्तीसगढ़ और प्रदेश में हुए लोकसभा चुनाव के नतीजे आगामी 4 जून को आने हैं, जिसको लेकर लोकसभा चुनाव की मतगणना का प्रशिक्षण कार्य जिला प्रशासन द्वारा शुरू कर दिया गया। पहले दौर के प्रशिक्षण के तहत मतगणना सुपरवाइजरों को प्रशिक्षण दिया गया है। बता दें कि राजधानी रायपुर के सेज बहार गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एक स्ट्रांग रूम बनाया गया, जिसमें 24 घंटे कड़ी निगरानी और 3 लेयर की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ ईवीएम मशीन की स्पेशल फोर्स के जवान निगरानी कर रहे हैं। वहीं मतगणना प्रशिक्षण कार्य को लेकर जिला सहायक निर्वाचन पदाधिकारी नीलेश कुमार शिवसागर ने बताया कि रायपुर लोकसभा क्षेत्र की मतगणना रायपुर के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज सहज बहार स्ट्रांग रूम में होगी। खासतौर पे अभी सभी जो ईवीएम से जो पोल्ड ईवीएम से उनको स्ट्रांग रूम में रखा गया है, उसकी पूरा सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। अब जो 4 जून को मतगणना होनी है, वो काउंट होने हैं, उसके लिए पूरी तैयारियां चल रही है। इसके लिए हमने हमारे जो डिप्टी सीओ यहाँ पे पोस्टेड है तथा असिस्टेंट सीओ और जो हमारे अधिकारी यहाँ पे पोस्टेड है, उनके अलग अलग जिलों के लिए टीम बनाई है। वो वहां जाके जो भी वहां के मास्टर ट्रेनर से वहां के जो गन्ना करने वाले अधिकारी है, कर्मचारी है, उनको गन्ना के संदर्भ में पूरा ट्रेनिंग प्रदाय करेंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में भी इसी तरह का ट्रेनिंग प्रदाय किया गया था, क्योंकि अभी कुछ चंद महीनों पहले चुनाव हुए हैं, हमारे जमीनी स्तर के मैदानी स्तर के कर्मचारी भी वोट काउंटिंग को बहुत अच्छे से जानते हैं, किंतु किसी भी तरह की लापरवाही न रहे और लिथार्जी न रहे, इसीलिए फिर से हम लोग उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसके साथ साथ जो हमारे ईवीएम स्ट्रांग रूम है, उनके सुरक्षा के लेके भी ये हमारी टीम जाके जांच कर रही है, ताकि किसी भी तरह का जो खासतौर पे ईवीएम को लेके गलत खबरें या रूमर्स जो फैलाई जाती है, उसको भी थोड़ा हम लोग देख रहे हैं। इस तरह के अगर कोई गलत खबर रूमर्स अगर किसी भी तरह के फैलाने का प्रयास करता है, तो उसके खिलाफ FIR दर्ज करके कड़ी की कड़ी कार्रवाई हो जाए।